हर खाते में 15 लाख। हर साल 2 करोड़ रोजगार के बाद अब कोरोना वैक्सीन फ्री फ्री फ्री। ये चुनाव अब सब्जी मंडियों और होजरी सेल की तरह लगने लगे हैं, जहां 200 की सब्जी खरीद पर धनिया फ्री या 2 कच्छे की खरीद पर 1 कच्छा फ्री जैसी आवाज़ें चारों तरफ से आती जा रही हैं। हमारे आपके मताधिकार का ये मजाक आखिर क्यों बन रहा है? इस सवाल का जवाब गोदी मीडिया के इस सर्वे में है, जहां वो चीख चीख कर NDA की जीत के दावे कर रहा है। लेकिन ये दावा आखिर किस आधार पर, जबकि वर्तमान बिहार सरकार के मंत्रियों विधायकों को प्रचार के दौरान बेइज्जत किया जा रहा है, रोजगार शिक्षा जैसे कई जरूरी मुद्दे पर सवाल किए जा रहे हैं। और ये दावा तब किया जा रहा है जब खुद मुख्यमंत्री की रैली में मीडिया दर्शकों की संख्या भी नहीं दिखा पा रहा है और उनकी सभा में लोग विरोधी नारे लगा रहे हैं। हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है, जरा बोलिए जोर से। विद्यार्थी और शिक्षक भी डिसलाइक अभियान चला रहे हैं। NDA के प्रधानमंत्री का भाषण भी नापसंद किया जा रहा है। NDA की जीत का दावा तब भी हो रहा है जब विपक्षियों की रैली में भारी भीड़ जुट रही है। जब योगी जी से झगड़ा था, अमित शाह जी से, मोदी जी से झगड़ा था, जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ, तेजस्वी और कुशवाहा की रैलियों में जनता के भारी समर्थन के बाद भी मीडिया को NDA की जीत आखिर किस आधार पर नजर आ रही है, इस सवाल का जवाब कहीं ये तो नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे EVM में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के EVM में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो EVM नहीं लगा उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में ही चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। इसलिए EVM मशीन तोड़ने का, EVM मशीन फोड़ने का जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो हमने पीछे नहीं लिया। EVM मशीन जब तक खत्म करने का ऐलान चुनाव आयोग नहीं करती है तब तक EVM मशीन तोड़ने फोड़ने का हमारा कार्यक्रम हम बंद करने वाले नहीं है। और सबसे पहले मैं मशीन तोड़ूंगा, सारे देश भर में आप लोगों को तोड़ना है। और EVM मशीन को तोड़ने फोड़ने का मतलब है मनु को बाबा साहब ने जलाया था तो ये आधुनिक मनु है EVM, इसको हम जला नहीं सकते, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ऐसे उठाने का और पटक देने का। हाँ, तो इस तरह से ये, और इससे जेल हो जाएगा, इससे क्या होगा, जेल हो जाएगा। मगर ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये राजनीतिक ऑफेंस है। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एक पॉलिटिकल ऑफेंस है। और अब मायावती की रैली में भारी भीड़ के बाद अब देखना ये होगा कि आखिर बिहार किसके हाथ आएगा। खास तौर से हमारी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में हमें सुनने के लिए इधर पहुंची हैं, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि वोट वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन हमारी माताएं बहने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि पुरुषों को पीछे करके सबसे पहले आप लाइन में खड़ी होकर अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट डालेंगी।
बाबू हाथ मत छोड़ो। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद केंद्र बिहार के बिहार प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के राज में यहाँ बिहार प्रदेश के भी सर्व समाज में से विशेषकर गरीब उपेक्षित व कमजोर वर्गों के लोगों का पूर्ण रूप से सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका, इतना ही नहीं बल्कि जब इन्हें यहाँ अपने खुद के राज्य में भी अपने खुद के बिहार प्रदेश में भी रोटी रोजी के साधन व रोजगार आदि नहीं मिले, तो तब उस समय अन्य राज्यों की तरह यहाँ फिर बिहार प्रदेश से भी बड़ी संख्या में ये लोग अपनी रोटी रोजी के लिए देश के अन्य बड़े बड़े शहरों व महानगरों में जाकर बसते, जिनके इस बार कोरोना महामारी के दौरान हमें वहाँ काफी ज्यादा दुर्दशा देखने के लिए मिली है। साथ ही आपके बिहार प्रदेश में भी अभी तक यहाँ दलितों महादलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनका आरक्षण का कोटा अभी भी अधूरा पड़ा है, और इतना ही नहीं अब तो आपके आरक्षण को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से दलितों को आदिवासियों को अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको भी अब धीरे धीरे एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं तो जो इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते हैं अब वो इनके आरक्षण को भी धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास में लग रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को बहुत कम ही आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने कानूनों को भी अब इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिससे इनके ऊपर अन्याय व अत्याचार करने वाले लोगों का मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो अब इनका काफी ज्यादा शोषण कर रहे हैं। इनके साथ साथ यहाँ बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत, खास तौर से आर्थिक हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको रोटी रोटी के साधन नहीं दिए, उनको नौकरी नहीं दी, लेकिन जब अब चुनाव चल रहा है तो आप लोगों के वोट के खातिर कोई बोलता हम 10 लाख इनको नौकरी देंगे, कोई बोलता 19 लाख, इनको किसने मना किया था? आप लोगों लंबे ऐसे तक यहाँ सत्ता में रहे हैं तो इनको नौकरी क्यों नहीं दी? यदि इनको नौकरी दी होती तो इनको रोटी रोजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, और कोरोना महामारी के चलते हमें इनकी काफी दुर्दशा पूरे देश में देखने को नहीं मिलती। इसलिए इन सब खास बातों को ध्यान में रखकर ऐसी पार्टियों की सरकारों को अब आप लोगों को यहाँ और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। कितना आजमाओगे आप लोग? आप काफी आजमा चुके हैं, आप लोग काफी महागठबंधन को भी और वो जो दूसरा गठबंधन है जिनकी सरकार है, कितना आजमाओगे आप लोग? आप लोग 15-15 साल तक हिंदू आजमा चुके हैं और कितना आजमाओगे? तो मैं समझती हूँ कि अब आप लोगों को इनको और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है,
और अब आपको यहाँ अपने बिहार प्रदेश में इस बार विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केवल अपने बने नए गठबंधन की ही सरकार बनानी होगी। यदि जो अभी तक यहाँ पर महागठबंधन भी पावर में रहा, श्री नीतीश का भी गठबंधन पावर में रहा, यदि इन्होंने कुछ काम किया होता बिहार प्रदेश की जनता के लिए तो फिर हमें ये नया गठबंधन नहीं बनाना पड़ता। हमें ये नए गठबंधन को बनाना पड़ा है और अब आपको यहाँ अपने बिहार प्रदेश में इस बार विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केवल अपने नए बने गठबंधन की ही सरकार बनानी होगी। और यदि ऐसा हो जाता है, हमारे इस नए गठबंधन की सरकार बन जाती है, अर्थात यदि ऐसा हो जाता है तो फिर गठबंधन की ओर से यहाँ बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को ही बनाया जाएगा, जो ये अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा सरकार चलाने के लिए ये पूरे तौर से काबिल व सक्षम भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर ये जब आपके बिहार प्रदेश में यहाँ हमारे नए गठबंधन की सरकार बन जाती है और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुझे फिर पूरी उम्मीद है कि फिर ये उत्तर प्रदेश में बीएसपी कह रहे शासन काल की तरह ही यहाँ हर मामले में वह हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। और इस मामले में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, हमने दूसरे राज्यों की तरह तो उत्तर प्रदेश में हमने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, 1000 रुपए 1500 रुपए ये हमने नहीं दिए थे, बल्कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से जो गरीब और बेरोजगार लोग थे तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे तौर पर हमने उनको बड़ी तादाद में नौकरी हमें उपलब्ध कराई। हमें सुनने के लिए यहाँ आप लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ।